जनपद की सभी 9 विधानसभा की सीटें भाजपा की झोली में आने पर बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में तथा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत की खुशी मनाई। इसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार ने जनता से किए सभी वादे पूरे किए। भाजपा की 5 साल की सरकार में प्रदेश का देश और दुनिया में मान भी बढ़ा है। जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाकर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की मंशा को चरितार्थ किया। प्रदेश में भाजपा की लगातार दूसरी बार सरकार बनने से विकास का पहिया तेज गति से चलेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद देकर ऐतिहासिक जीत दिलाई है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता ने बताया कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तथा गोरक्षपीठ के मठाधीश रहकर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा की अनुपमा पांडे, भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा। हर्षोल्लास का विषय है और बनना सुनिश्चित था। हम 300 पार का ऐलान पहले कह दिए थे क्योंकि मोदी जी के कार्य योजनाओं को परम पूज्य योगी आदित्यनाथ ने धरातल पर उतारा है और सबसे ज़्यादा हमारी माताएं बहनें चढ़ बढ़ के हिस्सा ली हैं। कारण क्या है कि आज हम सुरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा सुरक्षा का विषय है। आप देख रहे होंगे कि हमारे जीत का सबसे बड़ा श्रेय हमारी बहनों को माताओं को जा रहा है, इसलिए हम हर्षोल्लास हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगले 50 वर्षों तक हमारे आगे अब कोई नहीं है। हमारी जीत सुनिश्चित होगी। पूज्य महाराज जी हमारे पुनः मुख्यमंत्री हो रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी की जल्दी से जल्दी हम सब लोग आस लगाए हुए हैं। योगी जी आए, हम लोग दर्शन करें, उनके साथ एक जुलूस हो। क्षेत्र की जनता को क्या कहें? क्षेत्र की सभी जनता को हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने सारी योजनाओं को धरातल पर रखते हुए हर एक कार्यकर्ता को ले के चलते हैं और उन्होंने जितनी योजनाएं हैं और अपने कार्यकर्ताओं को सबको समेट के आज क्षेत्र में, छोटा सा क्षेत्र नहीं, हमारा गोरखपुर क्षेत्र काफ़ी बड़ा विस्तृत क्षेत्र है और भैया ने, धर्मेंद्र सिंह भैया ने सभी को समेटते हुए बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि हम गोरखपुर के 9 सीटों पर विजयी हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा परिचम लहरा रहा है। परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री रह के भी, मठाधीश के महंत हो के भी, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक साधु संत निष्ठावान सेवा करके भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में उन्होंने परचम लहराया है और पूरे विश्व, पूरे भारत का नगर था उत्तर प्रदेश की सीट पे, गोरखपुर के विधायक सीट पे, जिस पे महाराज जी पूर्ण बहुमत से, प्रचंड मतों से, 1.5 लाख वोटों से वो जीत रहे हैं और हम महिलाओं में बहुत खुशी है और महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए सम्मान, सुरक्षा और विकास योजनाओं को धरातल पे उतार करके जिस तरह से उसका लाभ पहुंचाया महिलाओं को, महिलाओं ने भी उन्हें ऋण सहित महाराज जी को प्रचंड मतों से जिताया है। पूज्य महाराज जी की, पूज्य महाराज जी की जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी, योगी जी और हमारे गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी और विशेषकर हमारी महिला मोर्चा की सारी टीम, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता और महानगर अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव जी, अनुपमा पांडे जी,
ममता गुप्ता जी, रानी मिश्रा जी, रंजना सोनकर जी, चित्रा जी, आप सुनीता चौबे जी, आप सुमन पांडे जी, नम्रता श्रीवास्तव जी, हमारी सबसे आप देख सकते हैं कि हमारे पार्टी में ये बहुत ही वरिष्ठ 85 साल की हैं, इनका बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी में योगदान है। महिला मोर्चा रोहिणी श्रीवास्तव। हाँ, मैं अपने इसमें शुरू से ही मैं लगी रही, आज से नहीं, मेरे माँ बाप तक इसमें जनता पार्टी में लगे रहे। मेरा भी लक्ष्य था कि मेरे महाराज जी जीते और मैंने जी जान से मेहनत किया और मैं मेरा हाथ भी टूटा था तब भी मैंने बहुत मेहनत किया और उस मेहनत का मेरी महिलाओं ने बहनों ने साथ दिया, दिन रात लग करके इन्होंने महाराज जी को जिताया है। इसका लक्ष्य आप बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रोहिणी श्रीवास्तव, रोहिणी श्रीवास्तव। पूरे गोरखपुर जिले में, चूँकि ये मुख्यमंत्री जी का जिला है, यहाँ पूरा एक भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और आप सभी देखे होंगे रिजल्ट भी उसी अनुरूप था और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बन रही है और जो भी पहले कार्यकाल में कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई शेष वो इस कार्यकाल में निश्चित ही सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का नीचे तक क्रियान्वयन होगा, ऐसा हम सभी को विश्वास है और पूज्य महाराज जी के ऊपर हम सभी को गर्व है कि ऐसे हम सभी के नेता मिले कि जिनके नेतृत्व में हम सभी प्रचंड बहुमत से पुनः दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। गोरखपुर की जनता के लिए क्या कहना? गोरखपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बार पुनः पूरी 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाई, इसके लिए पूरे गोरखपुर की जनता को दिल से पूरे भारतीय जनता पार्टी महानगर परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 5 वर्षों तक योगी जी ने उत्तर प्रदेश में विकास के साथ साथ कानून का राज स्थापित किया और मोदी जी के नेतृत्व में जहां जो जन आकांक्षाएँ थी उनको पूरा करते हुए पूरे दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, इसलिए दोनों सरकारों के उपलब्धियों के आधार पर और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ स्तर से ऊपर तक हमारे कार्यकर्ताओं का समूह है और इन दोनों के आधार पर मोदी जी और योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया और अपना आशीर्वाद दिया है। प्रचंड बहुमत के साथ जो विरोधी प्रलाप कर रहे थे उनको धता बताते हुए यहाँ की जनता जनार्दन ने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। विपक्ष कहता था कि ईवीएम हम रखा रहे हैं, पूरा ढोल लगा रहे हैं, अब क्या कहेगा? देखिए, विपक्ष या कोई कुछ कहने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन जनता जनार्दन ने, जब हम लोग जनता के बीच में जा रहे थे तो जितना काम योगी जी और मोदी जी ने किया था, लोग निकल करके कह रहे थे कि हम लोग मोदी जी को वोट करेंगे, योगी जी को वोट करेंगे। आम जनता का विश्वास मोदी और योगी जी के साथ था और उसमें हमारे तपस्वी कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके उन कामों को जमीन पर उतारने का काम किया। इसके आधार पर यहाँ जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताया और योगी जी ने 5 वर्षों में जो सैफई, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, रामपुर, 5, 7, 8 जिलों में जो विकास का पहिया फंसा था उसको सफाई से निकाल करके पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में विकास करने का काम योगी जी ने किया था और उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सुरक्षा का जो वातावरण पैदा किया, कानून का राज, कोई गुंडई की भाषा नहीं बोल सकता और इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों ने विकास के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, कानून का राज स्थापित करने के आधार पर मोदी जी और योगी जी के नीतियों में आस्था प्रकट की। यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया है, कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है और हम प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं।